ओम शांति। आज की तारीख है 12/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लो। क्योंकि हम पवित्र आए थे अपने घर से, तो अब पवित्र होकर ही जाएंगे, तो इसीलिए हमें पवित्र बनना अति आवश्यक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े, हमें यह निश्चय रखना होगा कि स्वयं परमपिता परमात्मा हमें पवित्र बना रहे हैं। प्रश्न है, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किनको करनी पड़ती है? उत्तर है, जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पूरा वर्षा नहीं लेते हैं, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। प्रश्न दूसरा भी है, आज इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? उत्तर है, क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल ऑर्फन यानी निंदन के बन गए हैं। जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय पितु मातु सहायक स्वामी सखा। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते हुए कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। नंबर दो, हरेक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का, मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा, ऐसे बच्चे हरेक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहम दिल बच्चों में भी किसी के भी प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। स्लोगन है, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।